मेरी इष्ट देवी दुर्गा जी हैं, मैं उनकी पूजा करती हूँ, अखंड ज्योत जलाती हूँ। तो बस यही लगा कि मतलब सोच के लगा कि कुछ करना चाहिए भजन, और ये जो उसमें जो जो अंतर है वो सब मैं सोचती रही और लिखती रही। तो क्या भक्ति एल्बम में, एल्बम के बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरह का विषय है और कैसा अनुभव था एल्बम में काम करने के दौरान? बहुत अच्छा अनुभव था, मतलब मैं अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपने में खोई हुई हूँ, सच में ये सब हो रहा है क्या। प्रोड्यूसर क्या कहना चाहेंगे, आपने सपोर्ट किया है, आपका जो लेबल है दौरान उसके माध्यम से किस तरह के एल्बम को सपोर्ट करते हैं या क्या सपोर्ट करते हैं, कैसे म्यूजिशियन या जो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं किसको सपोर्ट करते हैं? म्यूजिशियन हमारे साथ आए हुए हैं जिन्होंने इसमें म्यूजिक दिया है, और मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरी पत्नी ने इतना अच्छा गाया, मेरी समझ से तो अच्छा गाया, अब वो रिजल्ट बाद में मिलेगा। बाकी मैं तो अपने आप खुश महसूस कर रहा हूँ कि अच्छा कर रही हैं, और अभी तो मेरी समझ से ये अंगड़ाई है। अभी हमारे 12 भजन और तैयार हैं, उनकी तैयारी विवान जी के सहयोग से करेंगे हम, और आपके ही मुंबई में ही करेंगे। विवान जी, आपने आपका अनुभव कैसा रहा अनीता जी के साथ काम करने का? मेरा इनके साथ काम करने का अनुभव बहुत शानदार रहा, मुझे तो कुछ सीखने को मिला, प्रोड्यूसर साहब से भी सीखने को मिला, मैम से भी सीखने को मिला, काफ़ी अच्छा इनका वर्चस्व है एमपी में, खूब अच्छा इनका भजन संध्या, अभी भी 10 तारीख को इनका लाइव परफॉर्मेंस है इंदौर में, तो बैक टू बैक इनके शोज होते रहते हैं। इनको एक प्रेरणा मिली, इन्होंने मुझसे डिस्कस की, मैंने इनको मार्गदर्शन दिया कि ठीक है इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो अब जाके हम लोगों ने एल्बम लॉन्च किया, इसका शीर्षक है मेरी माँ। प्रमोद भाई, आप बताइए आपने भी अपीयरेंस किया है, कैसा अनुभव था आपका? नहीं, मैं तो जैसा विवान ने बताया कि प्रमोद भाई मैं ये मेरी माँ एल्बम लेके आ रहा हूँ बॉम्बे इंदौर से, और अनीता जी ने बहुत अच्छा जो है, बहुत सिंगर हैं, बहुत अच्छे इन्होंने काम किया वीडियो में। लेकिन अभी कोई बात नहीं, भी हमारा अपना भी प्रोडक्शन हाउस है गौरांग का, आप लोग वो गौरांग के नाम से यहाँ पे रिलीज़ कर सकते हैं, और ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ भाई माँ दुर्गा का आगमन आने वाला समय में, नवरात्रि शुरू होने वाली है, उससे पहले अनीता जी ने अपना ये शुरुआत जो कर दिया, तो आने वाले समय में अनीता जी को और अच्छे भाई इवेंट मिलें, प्रोग्राम करें और अच्छी रिकॉर्डिंग हो। तो क्या भक्ति संगीत में ही आपका महारत हासिल है और मुंबई आई हैं, तो क्या प्लानिंग है, मतलब आगे चल के क्या भविष्य देख रहे हैं आप यहां? नहीं नहीं, हॉल शो भी होते हैं, भक्ति भी करती हूँ और हॉल शो भी करते रहते हैं हम लोग फिल्मी गाने। तो मुंबई में जो आई हैं आप, क्या विजन लेके यहाँ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अब यहाँ आप सबका सहयोग रहेगा तो मैं अच्छे से अच्छा गाना चाहूँगी। मुंबई बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों आते हैं यहाँ पर? जो आता है सपनों की नगरी है, पहले यहाँ पर आने के बाद में अगर बॉलीवुड के अंदर कोई जगह नहीं मिलती है तो कुछ हमारे प्रमोद सर जी हैं जो रविंद्र जी के साथ के हैं शुरू से, रविंद्र जैन साहब जी के साथ उनके मैनेजर रहे हैं पहले, और पोते भी मानते हैं इनको वो, तो आज इन्हीं के मार्गदर्शन में बहुत सारे काम हम कर चुके हैं, और इंशाल्लाह कि आगे इनके साथ भी बहुत सारे काम हम साथ में करेंगे। आज ये सपना लेके आए हैं तो माँ पूरी करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट है, आप ही लोग हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, बॉलीवुड में बहुत सारे गाने हैं, आपका ऐसा कोई पसंदीदा गाना है बॉलीवुड में, या फिर कोई सिंगर हो जिसे आप इंस्पायर हो, उस बारे में कुछ बताया? हाँ, लता मंगेशकर हैं मेरी, और आप सब लोगों के लिए मैं 2 लाइन गाऊंगी आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे।